तो गाइस बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, अभी टाइम है, लेकिन अगर हम शुरुआत से हार्डवर्क कर रहे हैं, हार्डवर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क भी करें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। क्लास टेंथ के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो आप ट्वेल्थ वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपकी डिमांड्स सर आँखों पर। देखो जो पेपर है हमारा इस साल 3 घंटे का होने वाला है, ठीक है, और जो अंक होगा आपका वो 100 नंबर का होगा। आपके 5 यूनिट हैं, ठीक है। पहला है संबंध तथा फलन, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है कलन, चौथा है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता, ठीक है। पहला यूनिट से आएगा 10 नंबर, दूसरे से 15, तीसरे से 44, फिर 18, फिर 5, फिर 8, टोटल आपका 100 है। तो देखो सबसे ज़्यादा घेर कौन रहा है, आधा 50% ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 44 मार्क्स तीसरा यूनिट। कलन का मतलब होता है जो कैलकुलेशन पोर्शन होता है ना, कैलकुलस उसके, और कैलकुलस होती है सबसे आसान, आपको बस सूत्र बताओ और आपको विधि बताओ पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं चैप्टर बता देता हूँ, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा, किस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है वो भी मैं बताऊँगा, पूरा देखते रहना वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, मैं लिख के दे सकता हूँ संबंधों के प्रकार में से एक नहीं 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, क्योंकि एनसीईआरटी बदली है और नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर मैंने पूरा पढ़ा भी दिया, पुराना तो पढ़ा ही रखा है, नए पर पहली बुक भी खत्म हो गई है, दूसरी बुक बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मैंने MCQ भी करा रखे हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। आप मेरे पढ़ाए हुए तरीके से एक वीडियो देखो, अगर आपको पसंद ना आए तो फिर मत देखना, बाकी और क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलो, संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार, इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अगर मैं बात करूँ तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मुख्यमान, ठीक है, अब मुख्यमान का परिसर कहाँ से कहाँ तक जाता है, और कुछ क्वेश्चन सरल करने के लिए आएंगे, ठीक है। आव्यूह, आव्यूह में जैसे आव्यूह पर सक्रियाएं हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सममित और विषम सममित आव्यूह पर क्वेश्चन आ सकता है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये जो टॉपिक है 100% गारंटी है क्वेश्चन आएंगे 100%। सारणिक की मैं बात करूँ, सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, सारणिक का मान निकालना 1 नंबर में आएगा, उसके साथ साथ सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग, ठीक है, और आव्यूह के संखंडज और व्युत्क्रम, ये चीज है, ठीक है। अभी कुछ दिन में ना मैंने एक वीडियो बनाई है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको जरूर देख लेना। सात्यंत अवकलनीयता में क्या होता है ना, इसमें तो अवकलज करना है, तो अवकलज अगर आपको आता है तो हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन की दर पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। वर्धमान और ह्रासमान फलन पर एक छोटा भी आ सकता है या फिर बड़ा आ सकता है, और उच्चतम और निम्नतम मान पर बड़ा क्वेश्चन आएगा 100%, ये आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो ये पहली बुक खत्म हो जाती है, उसके बाद अगला बुक है समाकलन। समाकलन 7.10 तक प्रश्नावली, उसके बाद विविध भी है, ठीक है ना। तो 7 जो विविध प्रश्नावली है, 7.10 प्रश्नावली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3 प्रश्नावली से ना 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। निश्चित समाकलन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादा। समाकलनों के अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन, ठीक है। और अवकल समीकरण जो है, ठीक है, इसमें कितनी कोटि है, कितनी घात है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, विशिष्ट हल निकालने के लिए आता है, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा, अभी तो आगे चीज़ें देख के वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। 10वां चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन है भाई, सदिशों के प्रकार, सदिशों के योगफल, अदिश गुणन, 2 सदिशों का गुणनफल, यहाँ से 2-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखाओं के मध्य दूरी, ये जो 2 टॉपिक गए हर साल आता है। रेखाओं के दिक कोसाइन, दिक अनुपात निकालने का 1 नंबर में आता है, ठीक है। रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, सदिश रूप में आता है हर साल। 12वें चैप्टर से ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, एक ही प्रश्नावली है, 100% 5 नंबर में आएगा। प्रायिकता से बेज पर में बड़े नंबर में आएगा ही आएगा। स्वतंत्र घटना पर प्रश्न आएगा, ठीक है। प्रतिबंध प्रायिकता पर 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। प्रायिकता का गुणन नियम 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा,
तो ये टॉपिंग है, इन पे आपको जोर लगाना है, ठीक है। अब इस पे और डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में, जैसे कि पहला है चैप्टर संबंध तथा फलन। जो पहला चैप्टर है ना आपके एनसीईआरटी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दो ही प्रश्नावली हैं, और ठीक है, और ये और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 1 और 2 मिलाकर 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ये कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। और यहाँ से देखिए, संबंधों के प्रकार गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, है ना, ये चीज आएगा ही आएगा। फिर तुल्यता संबंध, फलन के प्रकार एकैकी और आच्छादक फलन, इस पर प्रश्न जरूर आएंगे। त्रिकोणमितीय फलन, परिसर, प्रांत, मुख्य मान निकालना, ठीक है, और उनके ग्राफ के बारे में जानकारी, और कुछ मानों को सरल करना आएगा। कुछ टाइम जाने दीजिए, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूं अभी से, और जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, जो भी आएगा। दूसरा जो यूनिट है बीजगणित, वो आएगा 15 नंबर का, ठीक है। आव्यूह, आव्यूह में क्या है भाई? आव्यूह के प्रकार, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आव्यूह का गुणन, ठीक है, इस पर प्रश्न आएगा, ये ध्यान से देखना। सारणिक इंपॉर्टेंट है, सारणिक में सारणिक का मान निकालना, उपसारणिक, सेकंडस निकालना, परिवर्त निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना, उसके साथ साथ संगत असंगत पता करना, और फिर निकाय के हल, निकाय का हल निकालना हर साल आता है बड़े नंबर में, एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं आव्यूह का प्रयोग करके, और फिर ए इनवर्स एडजॉइंट अपॉन मॉड हर साल आता है ए इनवर्स निकालने के लिए, आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग करके ज्ञात करना, आव्यूह का प्रतिलोम निकालना, ठीक है। कलन देखो 44 नंबर, ठीक है, कलन जो है ना चैप्टर, कलन में आपका चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये आ जाते हैं। इन चैप्टर को अगर आप बना लोगे तो आधा नंबर आपने कवर कर लिया है, आधा बुक, 44 मार्क्स, ठीक है। पांचवें चैप्टर में तो सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। और अब क्लच का उपयोग मैंने बता ही दिया है, परिवर्तन की दर आएगा ही आएगा, उच्चतम तथा निम्नतम फलन इसके बारे में आएगा, दो टॉपिक और बता देना, वहाँ से जरूर क्वेश्चन आएंगे 100% गारंटी के साथ। समाकलन पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन ऐसा चैप्टर है, समाकलन पढ़ोगे तो समाकलन का अनुप्रयोग आएगा, और फ्यूचर में बीएससी बीटेक अगर आप लेते हो तो समाकलन और इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, अवकलज और समाकलन आना ही चाहिए। अगर फ्यूचर में भी मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई करनी है ना, तो ये दो चैप्टर अच्छे से बना लेना, तभी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। और समाकलन में इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, सूत्र हैं, इस पर प्रश्न ज़्यादा आएंगे, ये उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो वो देख लेना आप, इस टाइप के जो भी सूत्र लग रहे हैं ना, अच्छे से बना लेना है, ठीक है। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, पहले ही बता रहा हूँ। अनुप्रयोग की बात करें चैप्टर नंबर 8 में ना, 8.1 एक ही प्रश्नावली होगी नई एनसीईआरटी बुक में, उन सारे प्रश्नों को करना है, क्योंकि गिने चुने चार पाँच प्रश्न उन्हीं में से ही आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अवकल समीकरण जो नवा चैप्टर है, कोटि और घात निकालने के लिए एक नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल निकालने के लिए आता ही आता है, ठीक है। और अवकल समीकरण को हल करने की विधि, जैसे पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, इन दोनों में से एक जरूर आता है। और ये जो रैखिक समीकरण है, हर साल आता है, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरा। सदिश अगला जो है 18 नंबर का है, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर पढ़ोगे ना, 18 नंबर फिक्स हो जाएगा। 10वां चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कक्षा 11 में जो आपने फिजिक्स पढ़ा था ना, उससे मिलता जुलता मिलेगा, तो ये आपको आसान लगेगा। 11वां चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इस साल तो सिलेबस कम कर दिया गया, तो आसान हो गया। इसमें दिक कोसाइन, दिक अनुपात निकालने के लिए आता है छोटे, ठीक है, कार्तीय समीकरण, सदिश समीकरण निकालने के लिए आता ही आता है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच का कोण, हर साल आता है। तो ये जो टॉपिक है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच का कोण, सदिश समीकरण, ठीक है, दिक अनुपात, दिक कोसाइन, हर साल आता है और 18 नंबर का है, इसको अच्छे से बना लेना। रैखिक प्रोग्रामन की बात करें, चैप्टर नंबर 12 होगा, एक ही प्रश्न आता है यहां से, ग्राफ का पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, आराम से, अगर आपको ग्राफ आता है तो ये चैप्टर आसान है।
प्रायिकता में सबसे बड़े नंबर में आता है बेजपुर में प्रश्नावली, 13.3 में से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। उसके बाद अब सप्रतिबंध प्रायिकता जो है ना आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, प्रायिकता के गुणन नियम से आएगा दो नंबर का, स्वतंत्र घटनाएं एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कुल प्रायिकता और बेज प्रमेय में से सबसे बड़े नंबर का आएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको शुरुआत से मेहनत करनी है, ठीक है। चैप्टर की मैंने बताई दी है सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा घेर रहा है, चैप्टर नंबर 1 सबसे ज़्यादा नंबर घेर रहा है, 2 थोड़ा कम, ठीक है। तीसरा चौथा सबसे आसान चैप्टर है, आपको बहुत नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर यहाँ से आ जाएगा। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा मिलाकर 44 नंबर है, सोचो आप। दसवां और ग्यारहवां चैप्टर मिलाकर आपको मिलेगा 18 नंबर दो चैप्टर में। और इकलौता एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का यहाँ से, रैखिक प्रोग्राम से, यहाँ से आएगा 8 नंबर का एक एक चैप्टर में से, ठीक है। सारा कुछ पढ़ा रखा है, पुराने वीडियोस भी आप पढ़ सकते हो, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं है। नए एनसीईआरटी बुक भी मैंने बढ़ा दी, उसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो पढ़ाई करो शुरुआत से, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी जितना रिवीजन करोगे उतना आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे।